नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित होने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बंगले के लिए आवेदन देने की सलाह दी है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बंगला लेने से मना करते हुए वर्तमान में जो बंगला है उसे जल्द खाली करने की बात कही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी को बंगला आवंटित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करी है। विवेक तन्खा के मुताबिक यूपी में राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव और मायावती बंगला खाली कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। प्रदेश सरकार ने पहले बंगला खाली करवाया और फिर उन्हें ही आवंटित कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।